हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये देखिए, ये आज जो मैंने बनाई हूँ ये है शादियों वाला फ़िश फ्राई। शादियों में जो फ़िश फ्राई हम खाते हैं, ये मैंने उसी तरीके से बिल्कुल बनाई हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। तो इसे हम बनाएंगे किस तरह वो मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए जब भी मैं कोई रेसिपीज अपलोड करूँ। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो आइए देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, मैंने फ़िश के पीसेस ली हुई, ये रावस फ़िश है जिसे मैंने इस तरीके से बोनलेस करवाई थी और इसको एकदम और भी ज़्यादा पतला कट कर ली हूँ। ये देखिए, ये हरी मिर्च है 3-4-5, इसमें लहसुन के कली है जिसमें मैं नींबू निचोड़ ली हूँ और ये साथ में थोड़ा सा नींबू मैं फ़िश में भी निचोड़ लूँगी। ये एक नींबू का रस आधा मैंने इसमें डाल दी हूँ और आधा इसमें डाल दी हूँ। ये है नमक। अब फिश को हम नमक और नींबू लगा के थोड़ी देर रख लेंगे और जो हमें इसमें और दूसरा जो मसाला मैरिनेट करना है वो हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। ये तो जो हरी मिर्च है 2-3, इसमें हर लहसुन है, ज़ीरा पाउडर और ये है अजवाइन पाउडर, कैरम सीड पाउडर। अब ये सब हमें ग्राइंड करना है और फिर इसका पेस्ट हम फिश को मैरिनेट करके रख देंगे। देखिए, ये हमारा पेस्ट जो है रेडी हो चुका है। बहुत ही कम मसाले इसमें लगेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं होती है और ये इतने कम मसालों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। अब ये देखिए, मसाले जो है ये इसमें हम मैरिनेट करके फ़िश को रख देंगे थोड़ी देर और फिर उसके बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। किस तरह से वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, एक पैन में ये मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दी हूँ। दूसरी तरफ हम अपने फिश को जो फ्राई करना है उसे तैयार करेंगे। फिश की कोटिंग तैयार करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर ली हूँ, ये है ब्रेड क्रम और एक एग है। अब ये फिश के पीसेस को हम लेंगे, इसे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में रैप करेंगे इस तरीके से। कॉर्नफ्लावर में कोट करने के बाद में इसे एग में डिप कर लीजिए। अब इसे ब्रेड क्रम में रोल कर लेंगे और फ्राई करते जाएंगे। इसे हम रखेंगे नहीं वरना कॉर्नफ्लावर का आटा हो जाएगा और वो टेक्सचर और वो लुक्स नहीं आ पाएगा, क्रिस्पीनेस जो दिखती है। फटाफट करते जाएंगे और फटाफट फ्राई करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए, अब देखिए ये हमारे फिश फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। इसे टर्न भी करके मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दी हूँ और ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए, कुछ पीसेस रेडी भी हो चुके हैं तो हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी है ये, ऊपर से देख सकते हैं आप और अंदर से भी परफेक्टली कुक हो चुका है। और ये देखिए, ये हमारी शादियों वाली फ़िश फ्राई बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक देखिए, बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से परफेक्टली कुक हो गई है ये। तो घर बैठे शादी वाली फ़िश का मज़ा लीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिए,
आपके सजेशंस कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय. एंजॉय.